हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है, जिसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विश्राम अवस्था से जागृत होते हैं। बता दें कि देवउठनी एकादशी से ही चातुर्मास खत्म हो जाता है और पुनः मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब है देव उठनी एकादशी व्रत तिथि और महत्व। देव उठनी एकादशी तिथि कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन रखा जाता है। इस साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी का व्रत रखना शुभ रहेगा। खास बात यह है कि इस बार देव उठनी एकादशी के अगले दिन 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है, जिस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ रहता है। व्रत के पारण का सही समय क्या है? देव उठनी एकादशी के व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच करना शुभ रहेगा। बता दें कि व्रत का पारण देवी देवताओं की आराधना करने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करना भी शुभ रहता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं? एकादशी के शुभ दिन पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन देवी तुलसी श्री हरि के लिए उपवास रखती हैं। एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रखकर उसका उपयोग कर सकते हैं। जो जातक इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें व्रत रखने से एक दिन पहले तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए। भले ही आप व्रत कर रहे हों या नहीं, लेकिन एकादशी के दिन भक्तों को चावल से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र बांटना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य बनाए रखना इस व्रत का मुख्य अंग है, इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस तिथि पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना सभी भक्तों के लिए लाभकारी होता है। देव उठनी एकादशी व्रत का क्या है महत्व? शास्त्रों में एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इन सब में देव उठनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन श्रीहरि विश्राम अवस्था से जागृत होते हैं और पुनः सृष्टि के संचालन का पदभार अपने हाथों में लेते हैं। इसी दिन से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार जैसे मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करता है,
उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस विशेष दिन पर दान पुण्य और पूजा पाठ करने से श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और मुक्त के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है।